मोतिहारी में एक बार फिर से सुगौली पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक बंधक बनी पीड़ित को बंद कमरे से रेस्क्यू करने के बाद बगैर कोई कार्रवाई किए ही लावारिस छोड़ दिया गया। बदहवास पीड़िता सुगौली से रक्सौल पहुंची, जहां रक्सौल में एक एनजीओ ने सड़क से ले जाकर उस पीड़िता को अपने यहां आश्रय दिया। एनजीओ की पहल पर ये मामला सामने आया है। घटना सुगौली थाना के माली पंचायत की है, जहां डुमरा गांव में पश्चिम बंगाल की एक युवती को कमरे में पिटाई करने के बाद कैद करके रखा गया था। युवती पर एक बुजुर्ग से जबरदस्ती शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था, ताकि उस बुजुर्ग की सारी संपत्ति को हड़पा जा सके। ग्रामीणों ने 112 पर फोन करके एक युवती को बंधक बनाकर रखने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने युवती को मुक्त करवाया। जब न्यूज बाइस्कोप ने एसपी से संज्ञान में मामले को दिया, तो एसपी के निर्देश पर पीड़िता को सुगौली थाने बुलाया गया और महिला थाना अध्यक्ष के सामने एसपी ने पीड़िता का बयान लिया और पुलिस के बयान पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। रक्सौल के एनजीओ के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि बदहवास पीड़िता को उनके संस्था ने रक्सौल में सड़क से बरामद किया। पीड़िता के रेस्क्यू के बाद लावारिस छोड़ देने के मामले में सुगौली पुलिस पर भी कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पीड़िता का 164 का बयान क्यों नहीं हुआ? सवाल नंबर 2, पीड़िता का मेडिकल जांच क्यों नहीं कराया गया? सवाल नंबर 3, पीड़िता को क्यों लावारिस से छोड़ दिया गया? सवाल नंबर 4, आखिर सुगौली पुलिस किसे बचाने में जुटी हुई है और क्यों? सर, पीड़िता का अभी बयान लिया गया है। महिला संस्था है, महिला एसएचओ और एक काउंसलिंग सेंटर से महिला भी हैं, उनके समक्ष लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि दिलीप के यहाँ, दिलीप के यहाँ एक आर्केस्ट्रा में वो कार्य करती हैं। ये घर जाना चाहती थी, लेकिन इनके जो जिनके यहाँ काम करती हैं वो उनको घर नहीं भेज रहे थे। तो और चूँकि अभी यह डरी हुई हैं और प्राथमिकी दर्ज नहीं कराना चाहती हैं, ये सिर्फ अपने घर सिलीगुड़ी में इनका घर बताया गया है, ये घर जाना चाहती हैं। लेकिन पुलिस अपने बयान से हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, दिलीप हैं और उनके विरुद्ध हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं इनको प्रताड़ित करने का। सर, कुछ मामला इसमें जी इनके द्वारा यह बताया गया कि फिजिकल असॉल्ट की बात नहीं बताई गई है तथा किसी तरीके के अन्य असॉल्ट की बात नहीं बताई गई, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि इनसे गाली गलौज किया जाता था और इनके मन के अनुरूप ये अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन इनको जो है घर नहीं भेजा। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।